तो आज हम बनाएंगे दिवाली के लिए स्पेशल स्नैक्स रेसिपी पोहा चकली, और ये टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। आप इसे 1 मंथ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं, और ये बहुत ही क्रिस्पी बना है। मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ, आप देख सकते हैं, और ये कितना अच्छे से होल है, इसका मतलब ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, और इसके साउंड से भी आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ग्राइंडर जार ले लिया है, और अब हम इसमें 1 कप पोहा डाल देंगे, और यहाँ पे मैंने 1/2 कप रोस्टेड चना दाल ले लिया है जो हम चटनी के लिए यूज़ करते हैं, और अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे। और अब हम इसमें 2 कप राइस फ्लावर डाल देंगे। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी एक ही बर्तन यूज़ करें, चाहे वो कटोरी हो, कप हो या फिर ग्लास। और अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और यहाँ पे मैंने 1 छोटा टेबल स्पून अजवाइन ले लिया है, और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे हम 2 कप पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं पानी जो है बॉयल हो गया, और यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम लो रखा है, और अब हम ग्राइंड किए मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है, मैंने गैस का फ्लेम यहाँ पे ऑफ कर दिया है, और अब हम इसे 15 मिनट्स के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। और अब 15 मिनट्स हो चुके हैं, हम इसे डो तैयार कर लेंगे। तो अभी जो डो है वो काफ़ी गर्म है, तो आप इसे देख के अच्छे से इसका डो तैयार कर लें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डो जो है बिल्कुल तैयार है, और यहाँ पे मैंने चकली का मोल्ड ले लिया है, और अब हम इसमें जो हमारा डो तैयार किए हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने इसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले लिया है, और अब हम इसे चकली का शेप देंगे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम इसे राउंड शेप देंगे, जिससे हमारा चकली जो है एकदम परफेक्ट बनेगा। तो मैं इसे 3 लेयर का बना रही हूँ। तो जहाँ पे हमने चकली को बनाना स्टार्ट किया था, उसको एंड भी हम उसी पोजीशन में हम रखेंगे, और इस तरीके से इसे प्रेस कर लेंगे, जिससे तलते वक्त ये जो चकली का शेप है वो अच्छे से बना रहे। और अब आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर बना हुआ है, और ये हाथ में भी बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, और उठाने में भी बहुत ही इजीली ये उठ जा रहा है। तो इस तरीके से हम सारे चकली को तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, और अब हम इसमें एक एक करके चकली को डाल देंगे और उसे डीप फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे जो चकली है वो आप देख के डालें, क्योंकि एक साथ आप अगर ज़्यादा चकली डालेंगे तो वो फ्लैट नहीं बनेगा। तो आप जितना आप तेल लें उसके अकॉर्डिंग आप इसमें चकली को डाल के उसे फ्राई करें। और मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रखा है, और अब हम इसे दोनों साइड से अच्छे से पलट पलट के इसे फ्राई कर लेंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पे चकली जो है बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है, और अब हम इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम बाकी चकली को भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चकली तोड़ के बताती हूँ, आपको इसके साउंड से समझ ही आ गया होगा कि ये कितना क्रिस्पी बना हुआ है। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।